बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला आल मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, दिस इज मुदस्सिर अली असगर एंड टुडे वी आर हियर टू लर्न अबाउट वर्ब, वन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो व्हाट इज वर्ब? लेट्स लर्न वर्ब। इट इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, स्टेट और एन इवेंट। ये एक ऐसा वर्ड है जो एक एक्शन को शो करता है, स्टेट को शो करता है या इवेंट को शो करता है, उसे वर्ब कहते हैं। मिसाल के तौर पर, दे स्टडी इंग्लिश, वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, आई स्लीप एट नाइट। इन दीज एग्जांपल्स, द वर्ड स्टडी, सेलिब्रेट एंड स्लीप आर यूज्ड एज एक्शन, इवेंट एंड स्टेट रिस्पेक्टिवली। सो दीज वर्ड are called verbs. Some other verbs are given below: do, go, come, think, eat, drink, sleep, enjoy, etc. There are many and many of verbs, so I have quoted just a few. Next day, hamare paas types of verbs. First type है the irregular verb, second है regular verb, fourth है, third है sorry, modal auxiliary verb, helping verb or auxiliary verb, linking verb, transitive verb, intransitive verb, finite verb or infinitive verb. सबसे पहले हम irregular verb के बारे में पढ़ेंगे। irregular verb क्या होता है? It is a word which cannot make its past and past participle by adding d or ed at the end is called irregular verb. ये एक ऐसा verb है जो इसकी past और past participle form नहीं बना सकता d या ed को आखिर पर लगाने से। मिसाल के तौर पर, put put put, shut shut shut, do did done, be was being, grow grew grown. You can see that इनमें से एक भी वर्ड के साथ हमने ना तो डी लगाया है पास्ट बनाने में और पास्ट पार्टिसिपल बनाने में भी डी नहीं लगाया। सिमिलरली हमने ई डी भी नहीं लगाया, ना पास्ट में ना पास्ट पार्टिसिपल। सो अगर हम इनके साथ लगा भी देते तो ये पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल कभी भी नहीं बनते। सो विच कैन नॉट मेक इट्स पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल बाय एडिंग डी और ईडी एट द एंड। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इररेगुलर वर्ब। नेक्स्ट है हमारे पास रेगुलर वर्ब। दीज आर द वर्ड्स विच कैन मेक इट्स पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल बाय एडिंग डी और ईडी एट द एंड इज कॉल्ड रेगुलर वर्ब। ये एक ऐसा वर्ड होता है जो इसकी पास्ट यानी सेकंड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म बना सकता है डी या ई डी को एंड लगा। रेगुलर में नहीं लगा सकता और रेगुलर में लगा सकता है। मिसाल के तौर पर, अराइव अराइव्ड अराइव, कॉल कॉल्ड कॉल्ड, लाइक लाइट लाइक्ड, receive received received, and modify modified modified. These are some examples where you can see that d and ed has been added, so these are called regular verbs. Next hai hamare paas modal auxiliary verb. Modal auxiliary verb mein hum kya sikhenge? These are the verbs used with other verbs to express ideas like prediction, suggestion, possibility, necessity, and to show the mood and attitude of the speaker. ये वर्ड्स ऐसे हैं जो दूसरे वर्ड्स के साथ पेशगोई करने के लिए, तजवीज़ पेश करने के लिए, इम्कान ज़ाहिर करने के लिए और ज़रूरत ज़ाहिर करने के लिए, या स्पीकर का मूड और एटीट्यूड शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर, यू शुड बिकम अ गुड टीचर,
it may be true. In these examples, should and may are used as suggestion and possibility respectively. So these are two examples of modal auxiliary verbs. Some other words which can be used as modal auxiliary verb are these: shall, should, may, might, will, would, or, can, and could, etc. नेक्स्ट है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। इन्हें हेल्पिंग वर्ब यानी इमदादी फेल भी कहते हैं और एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ये जो है मेन वर्ब की हेल्प करते हैं और टेंस शो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर आई डो नॉट प्ले एनी गेम, मैं कोई गेम नहीं खेलता। इसमें डू जो है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ हुआ है। डज ही गो टू जिम, इसमें डज जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ हुआ है और ये सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहा है। सिमिलरली हैज़ शी हैज़ परफॉर्म्ड वेरी वेल, इसमें हैज़ जो है वो थर्ड फॉर्म के साथ यूज़ हुआ है यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना रहा है। और फर्स्ट सेंटेंस के बारे में मैं भूल गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और नेगेटिव टेंस है, नेगेटिव सेंटेंस बना रहा है। आइए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यही डिड जो है वो डू या डज बन जाता है, जबकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ये अपनी नई शक्ल बना लेता है विल या शैल की सूरत में। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में ये वाज या वर की शक्ल बना लेता है, वाज या वर बन जाता है और यही वाज और वर जो है प्रेजेंट में आते आते इज एम या आर की शक्ल ले लेते हैं, जबकि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में ये विल बी और शैल बी यानी कि पिछले जो विल और शैल थे उनके साथ बी का इजाफा कर लेते हैं। सिमिलरली पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड इस्तेमाल होता है, यही हैड प्रेजेंट में आते होते हैज और हैव की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जबकि फ्यूचर में इसी हैव के साथ हैव ख़त्म हो जाता है, हैव के साथ वही पुराना विल और शैल लग जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसके साथ हैड बीन लगता है यानी कि हैड हैज और हैव और विल हैव और शैल हैव के साथ बीन का इजाफा हो जाता है, तो ये पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैड बीन बन जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैव बीन या हैज बीन बन जाता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ये विल हैव बीन और शैल हैव बीन। नेक्स्ट है हमारे पास लिंकिंग वर्ब। अ वर्ब विच फंक्शंस एज अ लिंक बिटवीन टू वर्ड्स इज कॉल्ड अ लिंकिंग वर्ब। एक वर्ब जो कि एक लिंक के तौर पर काम करता है टू वर्ड के दरमियान उसे क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब। इट कनेक्ट्स अ सब्जेक्ट टू अ नाउन और एन ऑब्जेक्ट इन द प्रेडिकेट। कि प्रेडिकेट में क्या करता है, सब्जेक्ट को नाउन से या सब्जेक्ट को एडजेक्टिव के साथ जोड़ता है। मिसाल के तौर पर शी रिमेन एस्टॉनिश्ड, इसमें जो रिमेन है ये लिंकिंग वर्ब के तौर पे यूज हुआ है और शी को एस्टॉनिश्ड के साथ जोड़ता है। बॉक्सेस आर फुल ऑफ नेल्स, इसमें आर जो है लिंकिंग वर्ब के तौर पर यूज हुआ है और बॉक्सेस जो हैं वो किसको यूज का, बॉक्सेस जो हैं वो फुल ऑफ नेल्स के साथ यहाँ पे कनेक्ट किए गए हैं। द पेन इज़ वेरी ब्यूटीफुल, द पेन इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इसमें इस जो है वो लिंकिंग वर्ब के तौर पे यूज हुआ है और जो पेन है उसका रिलेशन बी ब्यूटीफुल के साथ शो किया गया है। एम इज आर वाज वर हैज बीन हैव बीन वगैरह ये जो है सम इम्पोर्टेंट लिंकिंग वर्ब्स। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिसको एक्शन कंप्लीट करने के लिए
किसकी जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, एंड पे उसके ऑब्जेक्ट जरूर आता है। मिसाल के तौर पर आई ईट ब्रेड, मैं इसमें ईट जो है इसको ब्रेड की जरूरत है, वगरना आई ईट जो है वो कोई सेंस मुकम्मल नहीं करता। शी ड्रिंक्स वाटर, इसमें शी ड्रिंक्स कुछ नहीं कर सकता जब तक ऑब्जेक्ट वाटर ना यूज हो। अली राइट्स अ लेटर, इसमें अली राइट्स अ लेटर में राइट्स क्या लिखता है, अली क्या लिखता है, अली कुछ नहीं लिखता जब तक हम लेटर नहीं लगाएंगे, सेंटेंस मुकम्मल नहीं होगा, एक्शन मुकम्मल नहीं होगा। चंद एक इसकी मिसालें हम पढ़ लेते हैं, रीड राइट ड्राइव रन प्ले एक्सेट्रा, ये जो है ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब जो है इसमें डज नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट, इसे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, ये ऐसा वर्ड होता है जिसे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती अपना एक्शन मुकम्मल करने के लिए। मिसाल के तौर पर वी स्लीप, हम सोते हैं, हम सोते ही हैं, बस हमें सोने के लिए किसी प्रॉपर चीज़ की जरूरत नहीं होती। ही थिंक, वो सोचता है, सोचने के लिए भी हमें किसी खास चीज़ की जरूरत नहीं होती, जस्ट हमारा दिमाग लगता है, वो भी उसके अलावा हमें इस चीज़ की जरूरत नहीं होती। दे लाफ, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो बगैर ऑब्जेक्ट के भी ये यूज हो जाते हैं। दे लाफ, वो हंसते हैं, हंसने के लिए भी किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती, इसलिए कोई ऑब्जेक्ट यूज करना। ऑल दो वी कैन यूज ऑब्जेक्ट विद दिस वर्ड, बट देर इज नो नीड, देर इज नो स्पेशल नीड टू कंप्लीट देयर सेंटेंसेस। यू वीप, बोलते हो, फॉल स्लीप जंप वॉक एक्सेट्रा आर सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास फाइनाइट वर्ड। फाइनाइट वर्ड क्या होता है, दीज आर द वर्ब्स विच चेंज देयर फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट। ये ऐसे वर्ड हैं, ये ऐसे वर्ब हैं जो अपनी फॉर्म चेंज कर लेते हैं, शक्ल चेंज कर लेते हैं अपने सब्जेक्ट के लिहाज से। दे टेल अस हु इज डूइंग दी एक्शन, और हमें इनसे पता चलता है कि एक्शन करने वाला कौन है। मिसाल के तौर पर आई ईट राइस, ही ईट्स राइस, यहाँ पे ईट जो है उसने अपनी शक्ल चेंज कर ली, ईट्स बना लिया। क्यों ईट्स बनाया, क्योंकि उसका सब्जेक्ट ही आई से ही बन गया, तो इसने आई से आई यानी कि मैं खाना खा रहा हूँ ये बता रहा है कि एक्शन कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पे ईट्स, ईट्स से पता चल रहा है या ही कर रहा है या शी कर रहा है या इट कर रही है या अली कर रहा है, इनमें से कोई भी एक एक्शन कर रहा है। ये हमें कैसे पता चला, ईट के साथ एस की शक्ल में पता चला, इसने अपनी शक्ल चेंज कर दी। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ, इसमें मुझे कैसे पता चला कि ये एम, एम से पता चला कि हमेशा इसके साथ कौन सा सब्जेक्ट यूज हुआ है, होता है आई, आई के साथ ही हमेशा एम आता है ना, तो इससे हमें पता चला कि ये एक्शन करने वाला कौन है, मैं हूँ। ठीक है, तो ये जब इसने अपनी फॉर्म, एम ने अपनी फॉर्म चेंज की तो ये क्या बन गया, इज, इज ने अपनी फॉर्म चेंज की तो क्या बन गया, आर। आई एम अ बॉय, इट इज अ बॉय, दे आर द बॉयज। ठीक है, तो इसकी चंद अगर मिसालें पढ़ लेते हैं, एम इज आर, हैज हैव एंड बी एटसेट्रा, ये जो है फाइनाइट वर्ब की चंद मिसालें हैं। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास वर्ब की जो टाइप है वो इन्फिनेटिव वर्ब है। इन्फिनेटिव वर्ब कैसे होते हैं, एन इन्फिनेटिव वर्ब इज अ वर्ब, ये एक ऐसा वर्ब है विच हैज टू बिफोर इट्स फर्स्ट फॉर्म, इसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ के शुरू में यानी के पीछे
इस्तेमाल होता है। दोबारा सुनिएगा, एन इन्फिनिटिव इज अ वर्ब विच हैज टू बिफोर इट्स फर्स्ट फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म लगी होगी उसके पीछे टू होगा, और ऐसे वर्ब को हम क्या कहेंगे, इन्फिनिटिव कहेंगे। इट शोज इनफाइनाइट एक्शन, ये इनफाइनाइट यानी कि लामहदूद एक्शन शो करता है, एंड इट इज यूज्ड एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, व्हेन इट इज यूज्ड एट द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस, ये इनफाइनाइट लामहदूद एक्शन उस वक्त शो करता है जब ये सेंटेंस की स्टार्ट में शुरू होता है। इन्फिनिटिव वर्ब की चंद एक मिसालें देख लेते हैं। टू प्ले क्रिकेट गिव्स मी प्लेजर, टू बी अ ह्यूमन इज अ ब्लेसिंग, शी लाइक्स टू स्विम, आई एम टू गो। जैसा कि डेफिनेशन में क्लियर है, डेफिनेशन में शो हो रहा है कि फर्स्ट फॉर्म प्ले, बी, स्विम और गो, इनसे पहले क्या आ रहा है, टू आ रहा है। तो इससे हमें इन्फिनेटिव वर्ब की अलामत मिल रही है, सिंबल मिल रही है। इसकी चंद एक मिसालें और देख लेते हैं, जैसे टू ईट, टू ड्रिंक, टू जंप, टू टिक, टू सिट, टू स्टैंड एटसेट्रा। दिस इज ऑल अबाउट वर्ब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर अबाउट योर सेल्फ, टिल देन अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।